हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शिवराजपुर बीच जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। अभी तो हम समुद्र के किनारे से बेट द्वारिका से लौटे हैं। मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, कह रहे थे वहाँ जा कर क्या करोगी, लेकिन बच्चों का मन है, मेरा भी मन है कि चल के टहल आते हैं, देख लेते हैं, फिर पता नहीं कब आना होता है। तो अभी हम चल रहे हैं बेट द्वारिका से शिवपुर राज भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। रास्ता एकदम बरसात की वजह से एकदम हरा भरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़क किनारे, इसलिए सड़क बहुत अच्छी नहीं है। आधा सड़क बन रहा है, आधा उबड़ खाबड़ है, आधा का वो निकाल दिए हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, सड़क बन रही है। ये देखिए एकदम समुद्र के किनारे सब नाव खड़ी हैं, कितनी बड़ी बड़ी नाएँ, बहुत नाएँ, बहुत इतनी नाएँ हैं कि क्या बताएं इसको। मैं ये ना था, समुद्र तो समुद्र है, पहली बार हमने समुद्र देखा है। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितना अच्छा लग रहा। दूर से ही झंडी जितनी दिख रही हैं सब झंडी वाले, पूरे समुद्र ही में जो है नाव ही सब खड़ी हैं। देखिए यहीं पे इसी समुद्र से नमक भी बनता है, कई जगह देखे हैं नमक के बड़े बड़े जो है वो चट्टान लगाए हैं और मशीनें लगाई हैं, नमक भी यहीं बनता है। पानी सब रोक करके तब उसी को इकट्ठा करके नमक बनाते हैं, वहाँ जाने नहीं देते हैं, फोटो वगैरह नहीं लेने देते हैं। अभी एकदम समुद्र के किनारे से हम लोग निकल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी चलिए हमारे साथ बने रहिए, देख के इतना अच्छा दृश्य लग रहा है कि मैं क्या बताएं। देख के इतना अच्छा, ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें सब लगी हैं, लगता है हम नाव की दुनिया में आ गए हैं। इसी में बहुत नाव है जो मछली वाली हैं, जो मछली जैसे मारते हैं समुद्र। ये टैंकर भी है क्योंकि यहाँ पे कच्चा तेल का खदान भी है, अंदर से समुद्र के अंदर से निकालते हैं, इसलिए कई जगह रोड बनाए हैं डंपिंग का, जिधर जिधर से जाते हैं उधर रोक लगाए, उधर नहीं जाने देते हैं। बेट द्वारिका का तो अलग ही रास्ता है, रास्ते में सब खड़ी हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। अब हम शिवराज बीच चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। ये तो हम बाहर से ही दिखा रहे हैं कि आप लोग भी देखिए, देख लीजिए बाहर का दृश्य कितना मनमोहक है। पानी देखिए कैसे बादल भी हैं, कहीं थोड़ा सा बारिश हो जाती है फिर इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप कि एकदम हालत ख़राब हो जाती है। एक पुल पड़ता है, पुल पड़ता है, बस अब एकदम हम आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। ये वहाँ का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, थोड़ी गली करके अंदर जाके है। ये देखिए अब आ गया बीच, हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। यहीं पे टिकट मिलता है, टिकट के बाद हम लोग अंदर चल रहे हैं टिकट लेकर के। यहाँ पे पेड़ लगे हैं, सब लोग वहाँ से घूम टहल के आते हैं, तो यहाँ पे वो ठंडी हवा लगती है यहाँ पे बैठने पे, क्योंकि समुद्र का किनारा है और उस पर पेड़ का छांव, इतनी ठंडी हवा अंदर बहुत लगती है। ये सब बैठे आराम कर रहे हैं, हम लोग अभी चल रहे हैं। वहाँ चूँकि एकदम खारा पानी है, पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जा काफ़ी अंदर चल के है, तो बाहर से पानी की बोतल ले लो, हम लोगों ने तो बाहर से ले लिया है। वैसे यहाँ पे ये जो बना है यहाँ पे भी पानी की बोतल ले देते हैं, जिनको पीना हो अपना पानी की बोतल ले लें, वैसे भी पानी पीने के लिए नल लगा है, आप पी भी सकते हैं फ्री में और बोतल भी ले सकते हैं। अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं,
हम लोग आ गए हैं। बहुत साफ सफाई है यहाँ पे, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। जो पड़े हैं छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं समुद्र वाले हैं, और यहाँ पे एकदम बहुत सफाई है, गंदगी एकदम से नहीं है, बहुत अच्छा है। चप्पल हम लोग बाहर उतार दिए हैं, चप्पल सब लोग बाहर उतार दें, पानी में चप्पल नहीं ले जाना है, चप्पल बाहर उतार कर हम लोग भी उतार दिए हैं। अब हम लोग जो है जा रहे हैं, आप लोग देखिए, अब जो है वॉइस नहीं डालेंगे क्योंकि ओरिजिनल आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है समुद्र के लहरों की, जो खड़खड़ाहट गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप लोग वो देखिए ओरिजिनल आवाज़ वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और बहुत तेज़ लहर आती है क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन भी है, पूर्णिमा के दिन वैसे भी ज़्यादा लहर आती है, जो खूब तेज़ तेज़ लहरें आती हैं। ये देखिए कितनी तेज़ी से आती हैं, एकदम रेता है इसमें, अगर खड़े रहो तो लगता है कि वो समुद्र खींच रहा है अपनी तरफ। इसमें केकड़े भी हैं, यहीं तक रहो, एक दो जगह केकड़े इसे पत्थर पे चले जाते, केकड़े मछली, कितने ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। अरे इसमें बहुत है, अच्छा भी बहुत लग रहा है। पापा की वीडियो हम ले रहे हैं, आप लोग भी देखिए सिद्धि की वीडियो, मजा आ रहा है, क्या बताएं। पकड़ ले, पत्थर पे फिसलन ज़्यादा है, बालों के साथ जो काई लगी है, जैसे हम तो गए थे काई लगी है पत्थर पे, और मछली चलना पड़ता है। इसका पानी एकदम नमकीन, कितनी जोर जोर लहर आ रही है, एकदम नमकीन पानी है, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर द्वारका आइए तो एक बार जरूर जाइए घूमने। कितनी तेज लहर आ रही है, देखिए ये देखिए, दो दो लहर साथ में आ रही है, कितनी तेज आ रही है। पूर्णमासी दिन वैसे भी बहुत तेज रहती है उनकी लहर, आप देखिए कितनी तेज लहर है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए अभी जो है पूरा नहीं डाले हैं, थोड़ा सा भी डाले हैं, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में डालेंगे, आपको दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए। चलो घड़ी हो जाओ, बच्चे हमको पकड़े अंदर भी रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा मन तो नहाने का था, नीचे ना उतरो, बस बदलने वाला नहीं है कपड़ा कहीं जस्ता, नहीं तो नहा भी लेते। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही, इधर 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 केकड़े बहुत, इधर देखो काले काले केकड़े, ये देखिए तेज लहर फिर आ रही है, ये देखिए यार देखो, अरे आओ से आओ, देखिए कितनी तेज तेज लहर आ रही है, बस बहुत आगे न जाओ बेटा, ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए कितना तेज लहर आ रहा है, पूरा बहुत दूर तक देखो लग रहा है साहब, चारों तरफ से पानी ही पानी है एकदम से, कहीं पे अंतिम छोर नज़र ही नहीं आ रहा है, इतनी तेज तेज लहर उठ रही है कि क्या बताएं। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है इसलिए बीच बीच में हम आवाज़ बंद कर देते हैं, आप लोग आवाज़ सुनिए। ये देखिए बिटिया है, उनके पापा छोटी वाली बिटिया, ये सब उसमें से कौड़ी बुन रही है, जो है उसमें सीप वगैरह है, छोटी बेटी ने ढेर सारा इकट्ठा कर लिया है।
घर ले जाएंगे। इसी के साथ लहर के साथ आती है ढेर सारी सीप, जब लहर जाती है तो बालू में दिखता है। नमक भी तो इसमें है, नमक ये देखिए, एक जाती है दूसरी आ जाती है। ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं इधर, मिट्टिया खड़ी है, यहाँ एक कुत्ता भी आराम से बैठा नहा रहा था। डागी उसको नहीं डर लग रहा, आराम से लहर आती है उसी में नहा लेता, फिर लहर चली जाती है, उठता भी नहीं है। ये छोटी वाली लड़की है, ये भी नहा रही है। एकदम हम लोग भीग गए थे पैर में, पूरा गाड़ गाड़ तक, लेकिन फिर सूख गया। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।